करीना कपूर और सैफ के बेटे तैमूर जब पैदा हुए थे तब उनके नाम को लेकर बॉलीवुड गलियारों में खूब विवाद देखने को मिला था। लोगों ने तैमूर नाम पर करीना और सैफ को न सिर्फ निशाने पर लिया था बल्कि उन्हें खूब ट्रोल भी किया था। उस दौरान दोनों से बार बार यही सवाल पूछे जा रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम मंगोलियाई तुर्की शासक के नाम पर क्यों रखा। हालांकि बाद में इस पर सैफ और करीना ने सफाई भी दी थी। ऐसे में अब करीना कपूर एक बार फिर मां बनने जा रही है तो बच्चे के नाम को लेकर फिर से वही दिक्कत ना झेलनी पड़े, इसे लेकर अब करीना कपूर खान ने एक खुलासा किया है। दरअसल अपने फेमस टॉक शो व्हाट वुमेन वांट के लेटेस्ट एपिसोड में करीना कपूर ने अपनी गेस्ट नेहा धूपिया से बातचीत की। अब यहाँ भले ही इंटरव्यू नेहा का था लेकिन इस दौरान करीना का ये शो पूरी तरह से मदरहुड पर था। इस शो के खत्म होने से पहले करीना ने नेहा धूपिया को एक सवाल पूछने का मौका दिया और जिस पर नेहा ने करीना से सवाल करते हुए पूछ ही लिया कि जब फैमिली और फ्रेंड्स को पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो तो किसने पहले तुम्हें बच्चे के नाम सुझाए। करीना ने इस पर जवाब देते हुए कहा, सच कहूँ तो तैमूर के समय नाम को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया था, अब सैफ और मैंने तय किया है, हम तभी फैसला लेंगे और सबको सरप्राइज देंगे। वेल आपको बता दें कि करीना कपूर खान और सैफ दोनों ही अपने दूसरे बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीना मार्च 2021 में अपने दूसरे बच्चे को जन्म देंगी।